अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्त लोग? आप लोगों को आज मैं जिस मार्केट में लेके आया हूँ, ये शोयक के अंदर ही है। यहाँ से फ्राइडे मार्केट, जो यहाँ का जो जुमा मार्केट जो बोले, ये भी बहुत करीब है यहाँ से। और आज जिस मार्केट में हम आए हैं, वो मार्केट का नाम है मीम मार्केट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी शॉप है। यहाँ पे मोबाइल वगैरह की भी शॉप है और बहुत सारी शॉप है। यहाँ पर शोरूम है। यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है आज का। तो यहाँ पे बुक स्टोर भी है, जरीर बुक स्टोर। और यह है कोयत का नाइट का व्यू जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि कोयत के ऐसे ही यहाँ के रोड और यहाँ के शॉप अगर आपको बताते रहूँ हमेशा मैं, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी शॉप है। ये मेन रोड है, यहाँ से जो अंदर मार्केट की तरफ चला जाता है कोई एरिया। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ का व्यू है, रात का नाइट का व्यू। यूरेका, ये इसकी अपना इधर सब मशीनरीज वगैरह मिलती है, वॉशिंग मशीन वगैरह सब इस शॉप में मिलती है। और उसके बाजू में है दूसरी भी बहुत सारी शॉप है यहाँ पे, केयर भी करके। और नाइट का व्यू देख सकते हैं आप कैसा है यहाँ का खूबसूरती। अभी यहाँ पर बजे है, कितने बजे है आपको बताते चलूँ, 5:30 बजे है। 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे मगरिब की अजान का जो टाइम है वो 5:15 कुछ है, 5:30 तक नमाज ख़त्म हो जाती है यहाँ पर मगरिब की। अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, दिन छोटा होते जाएगा और रात बड़ी होती जाएगी। जैसी सर्दी आएगी तो रात बड़ी होती जाएगी और दिन छोटा होते जाएगा। ये नई बसेस निकली यहाँ पर, अभी जो बस जा रही है सामने से आपके देख रहे, ये सिटी बस है लेकिन ये प्राइवेट है। जो लाल वाली बस गई ना, वो प्राइवेट बस है। ये सब ये प्राइवेट बसेस जा रहे हैं यहाँ से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये KTM बाइक का शोरूम है यहाँ पर। यहाँ पे भी लोग शौकिंग है बाइक के, लेकिन यहाँ पे बाइक बहुत कम दिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे अक्सर तो 4-व्हीलर ही दिखते हैं, सिटी में जाओ या कहाँ भी जाओ। यहाँ पे तो ज़्यादातर आपको बाइक ही नज़र, कार ही नज़र आएगी, बाइक्स बहुत कम लोगों के पास है यहाँ पर। तो ये KTM का शोरूम है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से अंदर ही मीम मार्केट का नज़ारा, बच्चों के खिलौने वगैरह है सब, टेडी बेयर इधर है। ये सब खिलौने हैं यहाँ पर बच्चों के। ये मोटरसाइकिल है छोटे बच्चों की, कार है यहाँ पर। ये टोटली बच्चों का ही खिलौना है सब यहाँ पर, देख सकते हैं आप किस तरीके से है यहाँ पर। ये देख सकते हैं साइकिल है बच्चों की। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब, टोटली फैन है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, माइक्रोवेव वगैरह सब है यहाँ पर। ये मीम मार्केट है, कोयत का मीम मार्केट है। मैंने आपसे कहा था कि अगर वीडियो बनाने मिलती है तो इंशाल्लाह बनाऊंगा।
तो मिल गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है अभी तक। अगर मना करते हैं तो फिर बंद करना पड़ेगा मुझे, लेकिन अभी तक तो कोई किसी ने कुछ कहा नहीं मुझे। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से अंदर का व्यू है मार्केट का। ये ब्लैंकेट वगैरह है, चादर है, सब है यहाँ पर। तो ये यहाँ का नज़ारा है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ पर सब है। ये किचन आइटम है सब यहाँ पर टोटल। ये टोटली किचन आइटम है यहाँ पर, प्लेट से स्पून है, हर चीज़ तरह का एक कप है। ये अंदर का नज़ारा है सब, मी मार्केट का जो अंदर का नज़ारा है वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो प्लीज़ ऐसे ही मैं आपको हमेशा कुवैत में जो भी मार्केट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो उस वीडियो वहाँ की मैं वीडियो बताते रहूँगा आपको। तो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना, आप लोग सब्सक्राइब करना। ये कप्स हैं यहाँ पर, ग्लासेस हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, सुपर मार्केट है ये। यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिलती है, देख सकते जहाँ पे नज़र घुमाएंगे वहाँ पे। मार्केट तो इतना बड़ा है लेकिन पब्लिक नज़र नहीं आ रही है इसके अंदर। अब मेरी मैडम ने मेरे हाथ में ट्रॉली थमा दी है, मुझे देखा तो। अब तो उनके साथ में ही घूमना पड़ेगा मुझे। ये छोटे छोटे जो कप दिख रहे हैं ना, ये लोग यहाँ पर चाय गावे के लिए यूज़ करते हैं। ये जो कप दिख रहे हैं आपको, ये सब गावे के लिए यूज़ किया जाता है। इसको फिंजार बोलते हैं यहाँ पे अरबी में। ये सब बर्नी से, यहाँ पे कांच के सब बर्निया रखे हुए हैं यहाँ पर। ये सब प्लेट्स है यहाँ पे, प्याले है यहाँ पर। ये भी यहाँ पर भी प्लेट्स से रखे हुए हैं। बहुत बड़ा मार्केट है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे चाय की छन्नी रखी हुई है यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत बड़ा मार्केट है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी है। यहाँ पे चाकू है, चाकू यहाँ पे, चाकू है, लाइटर है, हर तरह का सामान है। थोड़ी आवाज़ मेरी धीमी है क्योंकि मैडम साथ में है मेरे, और मैं ज़ोर से नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए माफ़ी चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो खैर, इस वीडियो को पसंद करना, लाइक करना, और ऐसे ही मैं आपको अंदर की सुपर मार्केट की वीडियो बताते रहूँगा हमेशा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मुझे हिम्मत मिले और आगे मैं अपना काम जारी रखूं। ये बच्चों के पानी की बोतल है यहाँ पर, ग्लासेस है छोटे छोटे। अलग अलग डिज़ाइन में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर, देख सकते हैं आप। इधर भी देख सकते हैं आप, ये बोतलें यहाँ पर, पानी की बोतलें सब अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग शेप में, अलग अलग क्वालिटी में। यहाँ पर सब कांच के प्याले वगैरह है, सब कुछ है, देख सकते हैं। यहाँ पर ग्लासेस है अलग अलग तरह के, अलग अलग डिज़ाइन में ग्लासेस है, देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ग्लासेस रखे हुए। ये भी देख सकते हैं आप किस तरीके से। मेरा मोबाइल ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि मेरे एक हाथ में ट्रॉली है और एक हाथ में मोबाइल है, जिसकी वजह से मोबाइल ज़्यादा, कैमरा ज़्यादा हिल रहा है मेरा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ आप लोगों से। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से ग्लासेस रखे हुए, अलग अलग डिज़ाइन में है। थोड़ी आवाज़ धीमे आ रही है मेरी, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सब पैकिंग का सामान है टोटली, ये टोटली सब पैकिंग का, जो पार्सल करते हैं ना उसका सामान है टोटली। कैन वगैरह जो आते, छोटे छोटे जो कंटेनर आते, वो सब है यहाँ पर। इस तरफ है कप, उस तरफ से ग्लासेस थे, यहाँ पर कप है, यहाँ पे ग्लासेस भी है, कप भी है, दोनों तरफ है, दोनों भी चीज़ें हैं।
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ नीचे का हिस्सा है, ये मार्केट का सिर्फ नीचे का हिस्सा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, किचन का सामान वगैरह मिलता है। बाकी ऊपर है वो अलग है, यहाँ पे गाड़ियों गाड़ी वगैरह भी मिलते हैं, बच्चों के खिलौने वगैरह सब मिलते हैं हर तरह का। ये सिर्फ नीचे का हिस्सा है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे। भाई लोग, जहाँ तक मुमकिन हो सकता था वहाँ तक मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आगे अभी मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं निकल रहा हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे, ताकि मेरी हिम्मत आगे बढ़ते रहे, समझे। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।